और इसमें जो फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी जवाबदारी ज़्यादा। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार अच्छे से चल रही है, संगठन पर भी नियंत्रण अपने अपने दलों के मुखिया को करना चाहिए। IVTV देखता है इंडिया। कौन ये आप लोगों को कह दिया है कि ठीक नहीं चल रहा? खूब ठीक चल रहा है। संगठन जो है किसी भी पार्टी की अपने अपने विचारधारा को लेकर के अलग अलग तरीके से संगठन बनता है, और संगठन के लोग मिल करके कई बार राज्य हित में, देश हित में गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। तो सरकार खूब अच्छी चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार खूब अच्छे तरीके से चल रही है। जनता के हितों पर सरकार चल रही है, जनता के हितों के लिए सरकार चल रही है, और सरकार लगातार बिहार के हित में काम कर रही है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई सरकार चलाने में और सरकार चलने में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व है। और इस प्रकार की बातें जब दल अलग है, दल की विचारधारा अलग है, तो समय समय पर किसी बात को लेकर के संगठनात्मक तौर तरीके में मतभेद हो सकता है, लेकिन सरकार में किसी प्रकार का कोई न मनभेद है न मतभेद है। सरकार बिहार के हित में, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खूब अच्छे तरीके से चल रही है। पर बीते दिनों जिस तरह से सर नालंदा में जहरीली शराब पीने से लगभग 11 लोगों की मौत हुई, उसके बाद आपके ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिसिया प्रशासन पर सवाल उठाए और बोला कि कार्रवाई करनी होगी। देखिए, पुलिस पर किस युग में सवाल नहीं उठा है, जरा मुझे बता दीजिए आप। पुलिस पर, अब पुलिस की कार्य प्रणाली जहाँ गड़बड़ है उस पर सवाल खड़ा करना हम समझते हैं कि ये एक अलग बात है, लेकिन सरकार के अंदर किसी प्रकार का कोई अपने, मैंने पहले कहा कि पार्टी अपने अपने विचारधारा के आधार पर चलती है। समय समय पर हम अगर गलत गड़बड़ गतिविधियों पर अगर नज़र नहीं डालेंगे, उस बात को अगर सरकार के संज्ञान में नहीं लाएंगे, तो ये भी काम करना पड़ता है, और यह ज़रूरी है। समय समय पर जहाँ जिन चीज़ों से असंतोष है, जिन अधिकारी की कार्यप्रणाली गड़बड़ है, जिन पदाधिकारी की कार्यप्रणाली गड़बड़ है, स्वयं समय समय पर मुख्यमंत्री जी भी इन चीज़ों को संज्ञान में लेते हैं और इस पर कड़ी नज़र रखते हैं। आपको मालूम होगा कि लगातार 7 घंटे का शराबबंदी पर समीक्षा बैठक उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल शराबबंदी को लेकर के एकदम अडिग हैं, और पूरी सरकार और बिहार के लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं। कभी कभी कतिपय परेशानी होती है, उसको लेकर के कोई सवाल अगर खड़े होते हैं तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। पर आप ही के सहयोगी दल है सर जीतन राम मांझी की पार्टी, वो अब जीतन राम मांझी अब तक कह दिया है उन्होंने कि जब केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले सकती है, नीतीश कुमार शराबबंदी का। मैंने भी अखबार में पढ़ा है। देखिए, मैं एक बात आपको पहले भी बताया कि सरकार बिहार के हित में चलती है और पार्टी भी जो संगठन है वो अपने अपने विचारधारा के हिसाब से चलती है। अब जीतन राम मांझी सरकार को लेकर के बयान उन्होंने नहीं दिया है, पार्टी एक पार्टी के मुखिया है, इस नाते जो उनको उचित लगा उन्होंने कहा है। सरकार के अंदर उनके पुत्र मंत्री हैं और अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वहन सरकार में रहकर कर रहे हैं, और सरकार को अच्छे से चलाने में सहयोग भी दे रहे हैं और चला भी रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि जिस तरह से जो बयानबाजी चल रही है, ऐसे में क्या लगता है कि दोनों पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए? निश्चित रूप से हम समझते हैं कि इसके लिए डायलॉग होनी चाहिए आपस में बैठ करके, सरकार ही नहीं संगठन स्तर पर भी डायलॉग होनी चाहिए। और जब हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, जब हम एक दूसरे के सहयोग से बिहार के हित में सरकार चला रहे हैं, तो एक दूसरे के मनोभाव को भी संगठनात्मक तौर तरीके से भी समझना चाहिए। और इसमें जो फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी जवाबदारी ज़्यादा होती है। सर प्रधानमंत्री को भी इस विवाद में घसीटा, मैंने पहले ही कहा ना कि जो फ्रंट सीट पर बिहार में बैठे हैं उनकी जवाबदारी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। इसमें सब कुछ आ गया और आत्मचिंतन विवेचना करनी चाहिए। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
सरकार अच्छे से चल रही है, संगठन पर भी नियंत्रण अपने अपने दलों के मुखिया को करना चाहिए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर वन बाबा पाशाजी बंगाली, 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा पाशाजी बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर वन एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई ना कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा पाशाजी बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत तो और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा पाशाजी बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा पाशाजी बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, मुठकर्णी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा पाशाजी बंगाली। बाबा पाशाजी बंगाली, घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं, बाबा पाशाजी बंगाली।